सो गाइस, आज आप लोगों को दिखाने जा रहा है एक्स्ट्रा पावर वैक्यूम क्लीनर की जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं। पहले आप लोग वैक्यूम क्लीनर का जो साउंड वो सुन लीजिए। सो गाइस, देखा आप लोगों ने जो साउंड है वो अप और डाउन हो रहा है। तो इसका सॉल्व कैसे करें, इसका जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्व कैसे करें, तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, इसके बारे में जानने के लिए वैक्यूम क्लीनर को खोलना होगा, उसके अंदर जो फिल्टर है वो निकल के साफ करना पड़ेगा। देखिए, ये दोनों लॉक है, इधर भी एक ठो लॉक है, तो इसको अभी खोलने जा रहा है। ये देखिए, इसके अंदर एक फिल्टर रहता है। तो ये देखिए, अभी हम लोग जो हॉस पाइप है वो भी खोल रहा है। ये बहुत टाइट हो गया, इसमें लॉक होता है, वो थोड़ा हिलने से अपने आप खुल जाएगा, ऑटोमेटिक है, 2-in-1 है। तो ये देखिए खोल रहा है, ये बस खुल गया। अभी ये देखिए, इसके अंदर जो फिल्टर है वो निकलेगा। ये देखिए, यही वो फिल्टर है। ये जाम होने से आपका वैक्यूम क्लीनर साउंड थोड़ा अप डाउन रहेगा, और इसके अंदर कचरा वगैरह बहुत है। मैं तो वैक्यूम क्लीनर का जो अंदर का जो नीचे का जो मिट्टी उट्टी धूल वूल होता है वो पहले निकल दिया, अभी इसको साफ करेंगे। ये देखिए, और एक बात, फिल्टर खोलने के बाद ऐसे ही बिना फिल्टर की वैक्यूम क्लीनर को लगाना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, तो हम लोग जो फिल्टर बिना फिल्टर लगा हुआ है और वैक्यूम क्लीनर का दोनों लॉक हम लोग लगा रहा है, इधर एक, ये देखो दोनों हो गया। अभी देखिए, इसके अंदर दो होल्स रहता है, एक जो कचरा वगैरह मिट्टी उट्टी धूल टानने वाला, खींचने वाला, और एक हवा निकलने वाला। तो ये देखिए, हम लोग अभी लगाएगा जो हवा निकलता है उसमें हम लोग हॉस पाइप डालेंगे। ये देखिए, इसमें हवा निकलता है ऊपर का हिस्सा का। ये देखिए हो गया, अभी इसका जो मिट्टी उट्टी धूल है, गंदा अंदा कचरा निकल जाएगा। ये देखिए, मैं नज़दीक लगकर दिख रहा है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा है थोड़ा थोड़ा धूल निकल रहा है। वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। सो गाइस, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक मार देना, और हाँ, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्टर साफ हो गया, अभी हम लोग ये वैक्यूम क्लीनर के अंदर डालेंगे फिल्टर। तो ये देख लीजिए, अभी हम लोग दोनों लॉक खोल रहे हैं, फिर उसके बाद फिल्टर लगा रहे हैं। अभी बंद कर देना चाहिए, ऐसे दोनों लॉक लगा के रखना चाहिए। ये देखिए, दोनों लॉक हो गया। ये देखिए, वैक्यूम क्लीनर रेडी हो गया। ये देखिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, इसका साउंड पहले का साउंड कैसा है और अभी का साउंड कैसा है। सो गाइस, वैक्यूम क्लीनर हम लोगों का पूरा रेडी हो गया। सो गाइस, आप लोगों ने खुद देखा कि साउंड भी क्लियर हो गया। और एक बात तो मैं भूल गया, अगर किसी कार के अंदर या गाड़ी के अंदर आप लोग जो वैक्यूम कर रहा है तो उसी टाइम वो काम नहीं कर रहा है, तो मैं तरीका जो दिखाया आप लोगों को वही कर लेना है। सिर्फ वैक्यूम क्लीनर का जो अंदर कचरा बगड़ा होता है वो निकल दीजिए, और एक बात, वो जो फिल्टर है उसको ऐसे हवा दे के साफ करना है। अगर आपके पास बड़ा वाला कि छोटा वाला कंप्रेसर हो तो और बढ़िया होगा। गाइस, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो भाई के लिए एक छोटा सा तो लाइक बनता है, और हाँ, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।